नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल वाली तरोई की सब्जी। जो लोग तरोई की सब्जी नहीं खाते हैं वो भी इसे बहुत पसंद करेंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है, अब उसमें 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होते ही 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा के चटकते ही प्याज डालेंगे, तो मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज को चॉप करके डाला है। अब प्याज को 3-4 मिनट तक सौते करेंगे। इसी टाइम पे इसमें 1 हरी मिर्च बारीक काट के डालेंगे और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब इन सारी चीजों को प्याज के साथ ही सौते करेंगे। 4-5 मिनट हो गए हैं, प्याज फ्राई हो गई है, तो अब इसमें मूंग की दाल डालेंगे। ये छिलके वाली मूंग की दाल है। 2 घंटे पहले आधा कप दाल को धोकर भिगो दिया था। ये दाल बहुत जल्दी फूल जाती है, इसलिए 2 घंटा इसके लिए काफी है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब मसालों को दाल के साथ 3-4 मिनट अच्छे से भुनेंगे और ये स्टेप बहुत जरूरी है। अगर आप टमाटर डाल रहे हैं तो इस टाइम पे इसमें ऐड करें। अब दाल को केवल 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे, जिससे ये थोड़ी सी पक जाए। आप चाहें तो इसमें 1-2 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं। 3 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे। दाल 50% तक कुक हो चुकी है, तो अब इसमें हम तरोई ऐड करेंगे। ये लगभग 250 ग्राम तरोई है। अब तरोई को दाल के साथ 2-3 मिनट अच्छे से भुनेंगे और 4-5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि तरोई पानी छोड़ती है। 5 मिनट हो गए हैं, तो ढक्कन हटा देंगे। बीच में मैंने सब्जी को 1 से 2 बार चलाया है और ये सब्जी एकदम तैयार है। मूंग की दाल और तरोई एकदम पक गए हैं, तो अब इसमें हम 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब दोनों चीजों को सब्जी में अच्छे से मिलाएंगे। मूंग दाल वाली टेस्टी तरोई तैयार है, तो गैस ऑफ कर देंगे। आप भी इस तरीके से एक बार तरोई जरूर बनाएं, ये बहुत टेस्टी बनी है। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।